छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है। दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए IAS ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिश अब सौंप दी है। अब अंतिम फैसला सरकार लेगी। आपको बता दें कि ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि इससे धन की बचत के साथ ही विकास कार्यों में तेजी आएगी। दोनों चुनाव अलग अलग कराने से आचार संहिता भी 2 बार लगानी पड़ेगी, इससे विकास के काम प्रभावित होंगे, मैन पावर भी ज़्यादा लगता है और दोनों चुनाव एक साथ कराने से इन सब की बचत होगी। आपको बता दें कि पिछला नगरीय निकाय चुनाव 2019 और 20 में हुआ था तो छत्तीसगढ़ में एक कमेटी बनाई गई थी। IAS ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। अब कमेटी ने अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पर सिफारिश की गई है, जिसका अंतिम फैसला अब विष्णुदेव साय सरकार लेने वाली है। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में क्या छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराया जाना चाहिए। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा।